नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, जो आप देख रहे हो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी कुर्ती हमने जो कि रेडी की हुई है। सेंटर इसमें कट रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे सेंटर कट आएगा और चाक हमने कोई भी नहीं रखे हैं, चाक यहाँ पे बंद रहेंगे दोनों। नीचे से घेर आएगा हमारा, पूरा खुला डुल्ला घेर आएगा यहाँ पे। इस तरीके से हमने कुर्ती तैयार की है। मेन चीज क्या है, हमने यहाँ पे ये कलियों वाली तैयार की है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि कलर थोड़ा कपड़े का सेम ऐसा है कि नजर नहीं आएगी। ये हमने यहाँ पे कली डाली हुई है, इस तरीके से यहाँ पे ये कली डाली हुई है, तो ये कलियों वाली कुर्ती बोलते हैं दोस्तों। और इसमें सेंटर कट हमने रखा हुआ है, हाई नेक कुर्ती ये तैयार की हुई है और यहाँ पे लगाए हैं लुप्पी बटन। तो दोस्तों, सबसे पहली वीडियो जो आप देखने वाले हो तो इसमें इसकी मैं आपको कटिंग बताऊंगा, कटिंग कैसे की जाती है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगा स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो आइए, इसकी सबसे पहले हम कटिंग सीखते हैं, कटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, जो आपने कमीज देखी है उसे बनाने के लिए है, ये हमने फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर और यहाँ पे ये हमारा नाप है। सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं, जो लेंथ होगी हमारी, जो लेंथ होगी 50 तैयार होगी। छाती का नाप होगा हमारा 19, कमर का नाप होगा हमारा 16, हिप का नाप होगा हमारा 20। तो यहाँ पे बाजू जो होगी हमारी 15.5 होगी, आगे की जो गोलाई होगी वो 10.5 होगी। हाई नेक वाली आपने कुर्ती देखी है, सेम वही डिजाइन हमने यहाँ पे ये रेडी करना है। तो पहली वीडियो में हम आपको कटिंग बताने वाले हैं, दूसरी वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ पे सेट कर लेते हैं अच्छे से। जो हमारे पास कपड़ा है, जो मेन फैब्रिक है, पहले वो कटिंग करेंगे और कलिया कटिंग करेंगे इसमें से, फिर उसके बाद इसको ज्वाइंट करेंगे, किस तरीके से जोड़ते हैं, और बाद में जाके हम जब कलिया जुड़ जाएंगी उसके बाद हम इसमें लाइनिंग कटिंग करेंगे और अटैच करना बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट के लिए यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है और जो हमने इस तरीके से कपड़े की लेंथ रखी है ये रखी है, जैसे हमारी 50 इंच लेंथ तैयार होगी, आगे की साइड हमने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। फुल हमने लेंथ फ्रंट के लिए अलग से कटिंग कर ली है क्योंकि लेंथ ज्यादा होने के कारण हम फ्रंट बैक इकट्ठा नहीं कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट कटिंग करेंगे उसके बाद बैक साइड कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें आगे से रखना है फ्रंट ओपन, क्योंकि हमें जो डिजाइन बनाना है, जो आपने देखा है उसमें डोरी वाला डिजाइन है और सेंटर कट है, तो ये हमने ओपन रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, जितना हमें अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए मार्जिन चाहिए होता है, ऐसे हमने निशान लगा लेना है। एक निशान हम यहाँ पे 50.5 पे लगाएंगे, नीचे की साइड फोल्ड के लिए ये लगा लेंगे, तो ये निशान हमारा ऐसे आएगा और ये एक्स्ट्रा मार्जिन का हम सीधा जितने निशान लगाए हैं सभी को मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ये सीधा निशान लगा लिया है और नीचे हमने लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हमें जैसे कलिया किसी भी पीस में, कमीज में, किसी में भी डालनी होती है तो सबसे पहले उसका मार्जिन हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है, तो उसका भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। मार्जिन रहेगा हमारा कलियों का 1 इंच का, तो यहाँ पे हम 1 इंच का ये निशान इस तरीके से लगा लेंगे। इस निशान को भी हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से जोड़ेंगे। ये निशान ऊपर से नीचे तक रहेगा, हमारे शोल्डर में भी रहेगा मार्जिन और नीचे तक आएगा, तो हमने यहाँ पे ध्यान देना है इसी तरीके से ये निशान लगा लेना है फुल लेंथ में। ये हमारा कलियों का मार्जिन रहेगा। अब हम सबसे पहले जैसे नॉर्मल कमीज के निशान लगाते हैं उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे ऊपर हमने सीधा निशान लगाया है, इसके बाद हमें आर्मोल का निशान लगाना होगा। हाई नेक बनाना है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे, कमर का निशान लगाएंगे 14.5 पे और जो हिप वाला निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 22 इंच पे। इन निशानों को हम आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ये हमने बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ पे साइज का निशान लगाएंगे, ऊपर से है हमारा 19 तो 9.5 पे लगाएंगे, वेस्ट है हमारी 16 तो हम 8 इंच पे लगाएंगे और हिप है हमारी 20। जितना हिप का नाप होता है आपने यहाँ पे ध्यान देना है, उससे बिल्कुल भी आपकी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें चाक बंद रखने हैं,
आप उसमें हल्का सा प्लस ही कर ले तो ठीक है। अगर चाक बंद वाली कुर्ती है तो आपने हिप का थोड़ा एक्स्ट्रा ही निशान लगा लेना होता है, पॉइंट दो पॉइंट। तो ये तीनों निशान हमने लगा लिए हैं, और ये ध्यान रहे ये निशान हमारे इस पॉइंट से आने चाहिए ना कि इससे। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये मार्जिन हमारा सिर्फ कलियों का होगा, जो हम यहाँ पे कली बनाएंगे उसका मार्जिन होगा। तो यहाँ पे ये निशान हम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, ये हमारे फिटिंग के निशान आएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे घेर देखना है, घेर कितने इंच का रखना है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, जितना हमारा यहाँ पे हिप का नाप होता है उससे हम डेढ़ गुना घेर रख सकते हैं, ज्यादा रखना चाहें तो वो इच्छा होती है पहनने वाले के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच है ये वाला पार्ट, तो इसमें 5 इंच और प्लस कर देंगे, तो हम 15 इंच तक अगर यहाँ पे घेर रखेंगे तो ये ठीक आएगा। अगर बढ़ाना है तो आप उसमें 2 इंच या 3 इंच और भी एड कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो हम यहां से इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे। फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर घेर बढ़ाना है वो पहनने वाले पे डिपेंड करता है कितना घेर पहनना चाहते हो। तो इस तरीके से हमने ये निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं बॉडी के। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है, तो शोल्डर हाई नेक है तो हम यहाँ पे शोल्डर कटिंग करेंगे 8 इंच। हाई नेक कुर्ती में बड़े शोल्डर कटिंग होते हैं, नीचे भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और अंदर की साइड 1.5 इंच का निशान लगाते हुए इस निशान को ऊपर यहां पे ऐसे मिला देंगे, यहां पे डाल लेंगे इस तरीके से गोलाई। कुर्ती का जो हल्ला कटेगा हमारा इस पॉइंट से ही कटेगा, यहां पे इस निशान को छोड़ देना, हल्ला काटने के लिए हमें इधर ही आना चाहिए, आना पड़ेगा पहले निशान के ऊपर। और यहां पे हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है 2.75 इंच, और 2.75 से हम यहां पे जो ये चीज होती है शोल्डर की, इसमें हम यहाँ पे जितना भी हमारा ये नाप होगा, जैसे हमारा यहाँ पे 6 इंच आता है, आधा इंच छोड़ देंगे हम यहाँ पे मार्जिन का, उसके बाद यहाँ पे हाफ लेंगे तो ये 3 इंच आएगा। यहां से हम कली का डालने की स्टार्टिंग करेंगे, और यहाँ पे जो कमर पे निशान लगाएंगे ये लगाएंगे हम जितना हमारा यहाँ पे नाप आता है, जो भी आपका नाप हो उसमें से आपने 1 इंच माइनस कर देना है, तो 7 इंच है तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे इस तरीके से। इस निशान को इस निशान से ऐसे जोड़ेंगे, ये हमारे कलियों वाले हैं ध्यान देना है, इस तरीके से ये आगे है। अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी, 1 इंच हमने यहां से छोड़ देना है, और उसके बाद जितना भी हाफ निशान होगा हमारा यहाँ पे 4.5 इंच आता है, तो हम 4.5 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे, और आगे इसी एंगल में यहां पे कलिया डालेंगे। तो ये देखिए हमारे कली के निशान लग चुके हैं। इसमें हमें यहां पे एक चीज का ध्यान देना है, 1 इंच इस साइड से हम बढ़ा देंगे और यहां पे कटिंग एक्स्ट्रा करेंगे, तो हमें यहां पे 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से ये ले लेना है, और जैसे हम प्लेट डालते हैं इस तरीके से यहां पे कटिंग करेंगे शेप देते हुए, इस प्रकार यहां पे सिर्फ 1/2 इंच का जो ये हम कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, तो हमारा यहां पे साइज ये बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी फिटिंग और ज्यादा अच्छी आएगी ऐसे। जब मैं कटिंग करूंगा तो आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अब हमें कटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे हमें जो शोल्डर डाउन करना होता है इस तरीके से, ऐसे हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे ऊपर से। इसमें क्या करेंगे, यहां पे हमें ध्यान देना है, जब हम कटिंग करेंगे ऐसे तो हल्का सा हम इस तरीके से जो हम मार्जिन लेते हैं ऐसे कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा, जब हम यहाँ पे सेंटर में कटिंग करेंगे तो ये जो दबाव आएगा हमारा बिल्कुल सही आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो यहां से खींच मार देता है। बाकी की हमारी कंप्लीट यही कटिंग रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आगे की साइड। जैसे हर कुर्ती में कमीज में हम मार्जिन छोड़ते हैं, ऐसे मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे।
ये हमने यहाँ पे फ्रंट अपना कटिंग कर लिया है। अब यहां से हम लेंथ लेंगे, जैसे हमने 50 तैयार रखनी है तो हमने 52 पे निशान लगाना है ऐसे, और इसी तरीके से इस साइड में 52 पे हमें निशान लगाना है ऐसे, इतनी हमारी यहां पे गोलाई आएगी। और यहां पे इसी गोलाई में हम कटिंग करेंगे, ऐसे। तो घेर जो है दोस्तों यहां पे कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे आप यहां पे देख रहे हो। तो ये तो हमने फ्रंट ओपन वाला फ्रंट कटिंग कर लिया है ऐसे। अब हमें बैक साइड कटिंग करनी है, तो जैसे बंद होता है कपड़ा ऐसे बिछाएंगे। तो बैक साइड दोस्तों हमने यहां पे नीचे कपड़ा बिछा लिया है बैक साइड के लिए ऐसे, और ऊपर यहां पे फ्रंट बिछा दिया है इस तरीके से। इसमें आपने ये ध्यान रखना है, जो हमने आगे की साइड यहाँ पे पहला निशान लगाया था आधा से पौना इंच का, जो मार्जिन का अंदर की साइड फोल्ड होने वाला होता है, ये आपने एक्स्ट्रा में रखना है। जो यहाँ पे बिछाना है तो वो इस तरीके से बिछाना है, मतलब बैक साइड हमारी पूरी पूरी होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रंट जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है वो एक्स्ट्रा में ही रखना है। जो शोल्डर से निशान लगाएंगे यहाँ पे सीधा लगाएंगे इस तरीके से, साइज हल्का ही है तो यहीं पे हम हल्की सी गोलाई दे देंगे, बस ये हमारा ठीक आ जाएगा। बैक साइड रखेंगे बड़ी, हाई नेक कुर्ती है तो यहां पे भी आप इसी तरीके से कटिंग करें। तो ये बैक के पार्ट हो गए हैं और ये फ्रंट के, तो यहां पे हम अब फ्रंट के साथ साथ में ही कटिंग कर लेंगे बैक साइड के पार्ट की भी। अच्छे से इसको सेट कर लेना है, कहीं पे झोल वगैरह ना रहे, और नीचे से भी हम बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां पे फ्रंट बैक कटिंग कर लिया है। अब हमें कलियों की कटिंग करनी है, जो हमने निशान लगाए हुए हैं इन्हीं के ऊपर हम यहां पे कटिंग करेंगे इस तरीके से यहां पे। तो ये देखिए फ्रंट बैक की चारों कलियां हमारी कट चुकी हैं। और अब जो मैंने चीज बताई थी आपको, जैसे हम डट डालते हैं इस तरीके से, ये आपने यहां पे मार्जिन कर लेना है कटिंग ऐसे। ये जो हमने मार्जिन कटिंग किया है, जब हम इसको यहां पे ऐसे जोड़ेंगे तो फिटिंग हमारी प्रॉपर आ जाएगी। तो यहां पे हमारा कुछ इस तरीके से ये फ्रंट बैक का पोर्शन आएगा, जो कि आप देख रहे हो ऐसे। तो ऐसे कटती है कलियों वाली कुर्ती। तो दोस्तों बाजू कटिंग करेंगे, बाजू का नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल बाजू कटिंग की जाती है ऐसे में नॉर्मल कटिंग कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों हमने बाजू की भी यहां पे कंप्लीट कटिंग कर ली है, जो नॉर्मल कटिंग होती है, क्योंकि इसमें नॉर्मल ही हमें बाजू बनानी है। आपने देखा भी है कुर्ती के शुरुआत में, जो मैंने पूरी कुर्ती दिखाई है आपको बनी हुई, उसी कुर्ती की मैं यहां पे कटिंग आपको दिखाई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे कलियों वाली कुर्ती कटिंग कर सकते हो, ये बहुत ही आसान सा मैंने तरीका आपको बताया है। अब हमें जब स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग में सबसे पहले हमें हाले की कटिंग करनी होती है और अस्तर की कटिंग करनी होती है, उसके बाद मैं आपको पूरी स्टिचिंग दिखाऊंगा कैसे स्टिचिंग की जाती है। अगर आपको कोई भी नॉर्मल किसी भी तरीके की कली वाली कुर्ती कटिंग करनी हो तो ये सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।